हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय चैनल पेंजो वाईटी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर के बारे में, यानी कि जब आप किसी यूनिएक्सियल मिनरल को किसी पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप के अंडर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो उसमें आपको एक फिगर ऑब्जर्व करना पड़ता है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ नॉमनक्लेचर के बारे में पढ़ना होगा। नॉमनक्लेचर मतलब कि इंटरफेरेंस फिगर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बिना आप इंटरफेरेंस फिगर को नहीं पढ़ सकते, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो आता है वो होता है आइसोजायर। सो आइसोजायर क्या होता है? इट इज अ ब्लैक बार्स विच फॉर्म द क्रॉस, यानी कि जो आप लोग ब्लैक ब्लैक साइड देख रहे हो यहाँ पे, ये सब क्या है? ये सब पूरी ब्लैक साइड क्या है? ये सब आपके आइसोजायर्स हैं। ठीक है, और बेसिकली आइसोजायर और कुछ भी नहीं होता है बट इट इज एन एक्सटिंक्शन पोजिशन, यानी कि मिनरल जिस पोजिशन में एक्सटिंक्ट होता है वो क्या होता है, वहां पर आपको आइसोजायर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो डार्क हो जाता है। फिर जो सेकेंड टर्म है वो है मेलाटॉप। सो इंटरसेक्शन ऑफ द टू आइसोजायर्स, यानी कि जहां पर एक आपका ये आइसोजायर है, एक आपका ये आइसोजायर है, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट पे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेलाटॉप हो गया। यहाँ पे आपको दिखाया गया अभी, ये आपका क्या हो गया, मेलाटॉप हो गया, मेलाटॉप। एंड इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक एक्सिस इमर्ज, यानी कि ये पॉइंट है जहां से ऑप्टिक एक्सिस क्या करती है, इमर्ज करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर होगी। ठीक है, एंड कलर बैंड्स और कॉल्ड आइसोक्रोम। सो जो थर्ड टर्म है हमारा वो क्या है, आइसोक्रोम है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है हमारा, आइसोक्रोम है। तो आप लोग ये जो कलर रिंग्स देख रहे हो, रिंग्स ऑफ इक्वल रिटार्डेशन, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये वाली सर्कुलर रिंग्स, सो दीज आर कॉल्ड द आइसोक्रोम। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप लोग मेलाटॉप से दूर जाते हो, ठीक है, आउटवर्ड जाते हो, तो वैसे वैसे जो आपका इंटरफेरेंस कलर होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज आप यहाँ पे हो भी, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस कलर होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू दिस प्लेस। ओके, क्योंकि जब आप लोग मेलाटॉप से आउटवर्ड जाते हो तो आपका जो इंटरफेरेंस कलर का जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाता है, यानी कि जो आपका सबसे जो नियर होगा वहाँ पे लो फर्स्ट ऑर्डर कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक नॉमनक्लेचर था अबाउट इंटरफेरेंस फिगर। सो अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है। सो वी हैव सम फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। सो हमारे पास तीन टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑप्टिक एक्सिस फिगर, एक होता है ऑफ सेंटर्ड फिगर, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉर्मल फिगर। ठीक है, तो मैं इन तीनों के बारे में लाइन बाय लाइन बात करूंगा। सो बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस व्हिच इज एनालॉगस टू द ओरिएंटेशन ऑफ द मिनरल सेक्शन, यानी कि लेट अस सपोज ये आपका माइक्रोस्कोप स्टेज है और ये आपका माइक्रोस्कोप स्टेज है, यहाँ पे आपका मिनरल का थिन सेक्शन रखा हुआ है, तो उसकी ऑप्टिक एक्सिस जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टेज जो है उसके रिस्पेक्ट में किस प्रकार से ओरिएंटेड है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरफेरेंस फिगर आप लोग ऑब्जर्व करने वाले हो। ठीक है, तो आपका तीन कंडीशन होती है, एक होता है आपका ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल होती है, एक केस में ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, और एक केस में क्या होता है, ना तो ऑप्टिकल होती है ना तो हॉरिजॉन्टल होती है बट इट इज समथिंग इंक्लाइन टू द वर्टिकल। ठीक है, तो मैं तीनों केसों के बारे में बात करूंगा, ऑप्टिक एक्सिस हो चाहे ऑफ सेंटर्ड हो और फिर आपका ऑप्टिक नॉर्मल फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक एक्सिस फिगर की। तो ऑप्टिक एक्सिस फिगर जो होता है वो इसको हम लोग सेंटर्ड इंटरफेरेंस फिगर भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें लेट अस सपोज ये आपका माइक्रोस्कोप स्टेज है और ये आपका मिनरल का थिन सेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है, लेट अस सपोज ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द माइक्रोस्कोप स्टेज, ये आपका माइक्रोस्कोप स्टेज है, ये आपकी जो है ऑप्टिक एक्सिस है। तो अगर ऑप्टिक एक्सिस माइक्रोस्कोप स्टेज के परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में आप लोगों को ऑप्टिक एक्सिस इंटरफेरेंस फिगर देखने को मिलता है। ठीक है, सो द आइसोजायर फॉर्म अ परफेक्ट क्रॉस। ठीक है, यानी कि लेट अस सपोज ये आपका ऐसा आपका जो है लेंस का रहता है। ठीक है, तो आइसोजायर फॉर्म अ परफेक्ट क्रॉस, यानी कि बिल्कुल आपका इसके यहां से सेंटर से पास होगा आइसोजायर, ऐसे करके आपका एक आइसोजायर देखने को मिलेगा जो कि परफेक्ट क्रॉस बनाएगा। ठीक है, एंड मेलाटॉप इज परफेक्टली सेंटर्ड, यानी कि जो मेलाटॉप होगा, यानी कि जो इमर्जेंस ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस है ये यहाँ पे, तो ये कहाँ होगा, एकदम सेंटर पे होगा। ठीक है, एकदम सर्कल के सेंटर पे होगा। ठीक है, और ऑप्टिक एक्सिस इज वर्टिकल, मैंने बता दिया कि जब ऑप्टिक एक्सिस जो है वो माइक्रोस्कोप स्टेज के रिस्पेक्ट में वर्टिकल होती है तो उस केस में आप लोगों को ऑप्टिक एक्सिस इंटरफेरेंस फिगर देखने को
मिलता है, ठीक है। सो इंटरफेरेंस फिगर फॉर द मिनरल डज नॉट मूव एज द स्टेज इज रोटेटेड, यानी कि जब आप लोग स्टेज का रोटेशन करते हो तो उस केस में कोई इंटरफेरेंस फिगर जो होता है वो मूव नहीं करता है, यानी कि हमेशा वो सेंटर्ड रहता है, ठीक है, कहाँ पे, मेलाटॉप पे, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले फिगर की बात जो कि था ऑप्टिक एक्सिस फिगर। अब जो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास वो कौन सा फिगर है, नेक्स्ट फिगर, सो यहाँ पे सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, सब सब एग्जाम्पल ऑफ सेंटर्ड यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। और देख सकते हो यहाँ पे जो मेलाटॉप है ये एकदम सेंटर्ड है, सर्किल के सेंटर पे है। ये आप जो रिंग्स देख रहे हो, ये वाली रिंग्स देख रहे हो, ये आप लोग, ये क्या है, ये आपका आइसोक्रोम्स है। और ये जो आप लोग ब्लैक क्रॉस देख रहे हो, ये ब्लैक क्रॉस जो आप लोग देख रहे हो ये क्या है, आपका आइसोजायर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेंटर्ड ऑप्टिक एक्सिस फिगर देखने को मिलेगा, ये क्वार्ट्ज में है, ठीक है। अब कैल्साइट जो होता है, और यहाँ पे जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो होता है लो बायरेफ्रिंजन मिनरल होता है, तो जो नंबर ऑफ आइसोक्रोम्स होते हैं यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। बट आपका कैल्साइट जो होता है वेरी हाई बायरेफ्रिंजन मिनरल होता है, इसीलिए जो नंबर ऑफ आइसोक्रोम्स यहाँ पे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ सेंटर्ड फिगर की, यानी कि जिसमें जो आपका मेलाटॉप होता है वो सेंटर पे नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिगर को ऑफ सेंटर्ड फिगर बोलते हैं, ठीक है। सो क्रॉस इज नॉट सेंटर्ड बिकॉज इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज दिस इज द माइक्रोस्कोप स्टेज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस इज सच दैट इट इज इंक्लाइंड समथिंग, ओके। लेट अस सपोज इट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन एंड द ऑप्टिक एक्सिस इज इंक्लाइंड समथिंग, ओके। ऑप्टिक एक्सिस इज इंक्लाइंड समथिंग, लेट अस सपोज इट इज अल्फा, ओके। सो इट इज अल्फा टू द वर्टिकल। सो इन दिस कंडीशन यू विल गेट एन ऑफ सेंटर्ड फिगर व्हेन द ऑप्टिक एक्सिस इज नाइदर वर्टिकल टू द माइक्रोस्कोप स्टेज नॉर हॉरिजॉन्टल। सो मेलाटॉप में और मे नॉट लाई आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू। सो इसमें दो केस आते हैं, ये जो एंगल अल्फा है विच इज फ्रॉम द वर्टिकल साइड, सो यहाँ पे जो अल्फा होता है वो जब लेस देन 30 होता है, यानी कि जो अल्फा होता है वो 30 डिग्री से कम होता है, इन दिस केस जो आपके मेलाटॉप होते हैं वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी कि सर्कल के अंदर आएंगे। बट अगर आपका जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 30 हुआ तो उस केस में आपका क्या होगा कि जो आपका मेलाटॉप होंगे वो फील्ड ऑफ व्यू को लीव कर देंगे, और जो मेलाटॉप आपको ऑब्जर्व देखने को मिलेगा वो हमेशा फील्ड ऑफ व्यू के बाहर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे दो केस होते हैं, यहाँ पे मे और मे नॉट का मतलब जो है, मे का मतलब है कि आपका अल्फा जो 30 से कम है, मे नॉट का मतलब है अल्फा 30 से ज्यादा है। एंड देन ऑप्टिक एक्सिस इज नॉट वर्टिकल, मैंने यहाँ पे बताया कि ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल नहीं होती है, बट इट इज समथिंग इनक्लाइन टू द वर्टिकल, ठीक है। एंड ऑन रोटेशन ऑफ रोटेशन द मेलाटॉप स्विंग्स इन अ सर्कल अराउंड द सेंटर। तो मैं आगे एक पीपीटी है, मैं उस पर दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, हाँ। सो इफ द मेलाटॉप इज वेल आउट आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू द आइसोजायर स्वीप अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू इन सीक्वेंस एज द स्टेज रोटेटेड, यानी कि ये जो आपको अब ये क्या है, इस केस में ये जो केस दे रखे हैं उस केस में दे रखे हैं जब अल्फा जो है आपका वो 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो आप लोग जो मेलाटॉप देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे मेलाटॉप है, यहाँ पे मेलाटॉप है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन सभी केस में मेलाटॉप आपको फील्ड ऑफ व्यू के बाहर देखने को मिल रहा है, क्यों, बिकॉज आपका अल्फा जो है वो 30 से ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे आप लोग स्टेज को रोटेट करते हो, लेट अस सपोज यू रोटेट दिस बाय 50 45 डिग्री और 90 डिग्री, सो यहाँ पे मेलाटॉप की कंडीशन कहाँ पे आ गई, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट करोगे तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये अपनी अपनी इनिशियल पोजिशन फिर से ले लेगा, ठीक है। एंड विद द आइसोजायर ऑलवेज रिमेनिंग पैरेलल टू द क्रॉस हेयर, यानी कि जो आपका ये आइसोजायर है, यानी कि जो डार्क पोजिशन है ये आपका आइसोजायर है बेसिकली, और ये हमेशा क्रॉस हेयर के पैरेलल रहेगा, ठीक है। आप लोग देखते हो कि इस केस में आपका जो है जो ईस्ट वेस्ट क्रॉस हेयर है उसके पैरेलल है, इस केस में जो नॉर्थ साउथ क्रॉस हेयर है उसके पैरेलल है, इस केस में फिर से ईस्ट वेस्ट वाले के पैरेलल हो गया, इस केस में फिर से नॉर्थ साउथ वाले के पैरेलल हो गया, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे, जो हमारा सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर्ड यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। सो यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे है, यानी कि सेंटर पे नहीं है, मेलाटॉप आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये सेंटर पे नहीं है, ठीक है, ये आपके आइसोजायर होंगे जहाँ पे आपका फील्ड ऑफ व्यू आपको डार्क दिख रहा है, और ये आपकी इक्वल रिंग्स हो गई, रिटार्डेशन की इक्वल रिंग्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस केस में जो अल्फा है वो लेस देन 30 है, इसीलिए आपका ये जो मेलाटॉप है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। बट इस केस में क्या है, जो अल्फा है
इस केस में जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 30 है, तो इस केस में आपका जो मेलाटॉप है वो आउटसाइड है, यानी कि अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सम इट इज सम एग्जांपल ऑफ ऑफ सेंटर्ड यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर। सो द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द ऑप्टिक नॉर्मल फिगर, ठीक है, ऑप्टिक नॉर्मल फिगर। हम ऑप्टिक नॉर्मल फिगर क्या होता है, इसको हम लोग फ्लैश फिगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भाई फ्लैश फिगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाम दिया गया है तो कोई रीजन भी होगा। तो फ्लैश फिगर इसलिए बोलते हैं बिकॉज जैसे जैसे आप लोग स्टेज को रोटेट करते हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक्सटेंशन पोजीशन पे देखते हो कितना ज्यादा ब्रॉड फजी आइस हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप लोग स्टेज को रोटेट करोगे वैसे ही आइस जार क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा कम स्पेस घेरेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हो, अचानक से ही इसका जो है अब ये आपका हट जाएगा, तो इसीलिए इसको फ्लैश फिगर बोलते हो, ठीक है। इस केस में ऑप्टिक्स हॉरिजॉन्टल रहती है, लेट अस सपोज दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक स्टेज एंड दिस इज योर मिनरल सेक्शन, सो इन दिस केस द ऑप्टिक एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो लेट अस सपोज दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस, ओके। सो द इंटरफेरेंस फिगर प्रोड्यूस्ड इज वेरी ब्रॉड फजी एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि लगभग 90 to 85% ऑफ पार्ट ये क्या इसका आइसोजायर ही फील्ड ऑफ व्यू को कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस देख सकते हो वट आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, और ये आपका मिनरल स्टेज है। द मिनरल इज ऑरिएंटेड विद द ऑप्टिक एक्सिस हॉरिजॉन्टल इन दिस केस ईडब्ल्यू, आपका ईस्ट वेस्ट ही होगा ना। सो इन दिस ओरिएंटेशन द मिनरल एग्जिबिट इट्स मैक्सिमम बायरेफिनजेंस एंड हाईएस्ट इंटरफेरेंस कलर, द रिजल्टिंग आइसोजायर इज अ ब्रॉड फजी। आप देख सकते हैं ब्रॉड फजी आइसोजायर है क्रॉस विच नियरली फिल्स द फील्ड ऑफ व्यू बिकॉज द वाइब्रेशन डायरेक्शन इन ऑल बट द आउटर पार्ट ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स आर इसेंशियली पैरेलल टू द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ द पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी केसेस में या आपको जो आइसोजायर मैंने बताया वो और कुछ भी नहीं है बट ओनली एक्सटेंशन पोजिशन होती है। तो ये मैंने बात की इंटरफेरेंस फिगर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है आपकी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट।